नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही सलामत हो। दोस्तों आज जो है कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग नहीं है, बट ये वीडियो जो है काफी जानकारी वाला वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है रिलेटेड टू ट्रैवलिंग। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट मैं देने वाला हूँ आकाशा एयर बोल के एक नया एयरलाइन से हमारा इंडिया का एविएशन इंडस्ट्री में ज्वाइन करने वाला है। ये ऑपरेशन शुरू होगा आपका 7 अगस्त 2022 से शुरू होगा। 7 जुलाई को 2022 में इनको यार ऑपरेटर परमिट मिला था डीजीसीए से, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि हमारा रेगुलेटर बॉडी है इंडिया का, वहां से परमिट मिला। 22 जुलाई 2022 को इसने अपना बुकिंग वेबसाइट से मतलब परमिशन दे दिया। अभी आप कहीं भी वेबसाइट से चेक कीजिए, मेक माई ट्रिप, गो आई वी, इज माई ट्रिप, किधर से भी, या फिर उनका वेबसाइट से दिखा रहा है बुकिंग ओपन है। और सबसे पहले जो ऑपरेट होगा वो मुंबई से अहमदाबाद दोनों के बीच में मतलब होगा रूट। उसके बाद 13 अगस्त से बेंगलोर टू कोची, ये दूसरा रूट से शुरू होगा। फिर तीसरा रूट भी ये लोग अनाउंसमेंट किया है, बेंगलोर टू मुंबई 19 अगस्त से। सो दोस्तों मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ट्रेवल करता रहता हूँ, जो भी फ्लाइट ट्रेवल करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा एयरलाइंस कंपनी होंगे हमारे इंडिया में उतना हमको कम पैसा में ट्रेवल करने के लिए मौका मिलेगा। एक दो यार प्लेन होने से क्या होता है, मोनोपोली बढ़ जाता है, प्राइस ज्यादा बढ़ जाता है, बट ये जितना भी मतलब आ जाता है वो हमारे लिए अच्छा है। दोस्तों फ्लाइट जर्नी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लैंडिंग एंड टेक ऑफ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। 2-3 ब्लॉग्स में अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। बाद में मैं और डिटेल्स का वीडियो बनाने वाला हूँ, वैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। इंडिया में अभी फिलहाल 9 कमर्शियल शेड्यूल फ्लाइट एयरलाइंस है और 5 रीजनल फ्लाइट्स हैं, जिसमें से जेट एयरवेज से, जो कि मैंने सबसे पहले मेरे जिंदगी में मैंने कोलकाता से गुवाहाटी ट्रैवल किया था जेट एयरवेज से, फिलहाल बंद है वो। बट अभी 17 अप्रैल 2019 को ऑपरेशन बंद हो गया था उसका, फिलहाल अभी देख रहा हूँ सितंबर को एंड में ये फिर से ऑपरेशन रिज्यूम करेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके लेके टोटल 9 एयरलाइंस होता है, जैसे एयर एशिया इंडिया हो गया, एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया, गो एयर, जो पहले गो एयर था अभी गो फास्ट हो गया, उसके बाद बिस्तरा हो गया, स्पाइसजेट हो गया, इंडिगो हो गया, प्लस जेट एयरवेज अभी आने वाला है, और आकाशा एयर, आकाशा मतलब आसमान, तो आकाशा एयर न्यूली सबसे लास्ट है। दोस्तों 7 सितंबर 2014 में मैंने चेन्नई से बेंगलोर ट्रैवल किया था, यार कोस्टा बोल के एक रीजनल एयरलाइन था, अभी नहीं चल रहा है फिलहाल, ये बंद पड़ा हुआ है, तो मिस करता, वो बहुत ही अच्छा था, 2x2 था, दो दो करके था, बहुत बढ़िया था वो प्लेन, तो ये फिलहाल बंद है। उसके बाद आपका जूम एयर बोल के भी एक प्लेन निकला था, जो दिल्ली से दुर्गापुर आसाम में हमारा नॉर्थ ईस्ट में लॉन्च किया था, फिलहाल वो बंद पड़ा हुआ है, वो अभी नहीं दिख रहा है। और किंग फिशर बोल के भी एक एयरलाइंस था, उसमें तो मैं चला नहीं था, खैर वो भी बंद हो गया। तो इस तरह से तो कुछ कुछ एयरलाइंस आता है, चाहे तो वो बिजनेस मार्केट में सस्ते नहीं कर पाता है तो बंद हो जाता है। तो मेरा इच्छा है जितना भी एयरलाइंस है मुझे मतलब चढ़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए रीजनल एयरलाइंस, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट में अभी फ्लाई वीक बोल के एक प्लेन है, छोटा प्लेन है, एटीआर प्लेन चलता रहता है, एयरलाइंस यार तो चलता रहता है। तो उसके बाद ट्रूजेट है साउथ में है, उसके बाद एलायंस एयर तो ऑल ओवर इंडिया में है, जो छोटा छोटा एयरपोर्ट है उधर चलता रहता है, तो ये सब प्लेन्स में भी मुझे अभी चलता है। इंडिया में अगर आप लोग फ्लाइट में ट्रेवल्स किए होंगे तो या फिर करेंगे तो आपको पता चलेगा 95% जो है सब इकोनॉमी क्लास का होता है, यानी सब दिख जाता है। तो इसमें एक चीज अच्छा ये लोग बता रहा है, जो की चार्जिंग कर सकता है, यानी प्लेन में आप चार्जिंग कर सकते हो। नॉर्मली ये एयर इंडिया का फ्लाइट्स में आपको मिलेगा, बट दूसरा प्लेन्स में नहीं मिलता है, तो डेट इज द बेस्ट थिंग कि इसमें एक चार्जिंग पॉइंट है, जो अभी तक मुझे जानकारी मिला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आप फ्लाइट ट्रैवल करने वाले हो तो जरूर ट्राई कीजिए, मेरे को जब से मौका मिलेगा, मेरा भी इच्छा कर रहा है, फिलहाल मैं तो भटिंडा में हूँ तो अभी मौका नहीं है, बट जैसे ही मौका मिलेगा मैं चढ़ जाऊंगा। प्लस एक और चीज आपको बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार अगरतला गुवाहाटी और अगरतला बेंगलोर रूट्स, ये रूट्स भी बहुत जल्द मतलब सितंबर में एंड में ऑपरेट करने वाला है ये सेक्टर में, जैसे कि इन्फॉर्मेशन मिला है आकाशा एयर के ऑफिशियल से, अगरतला एयरपोर्ट में जाके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफिशियल से बात किया है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में पुश मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा है।
दोस्तों आकाश सयार का केबिन क्रू का ड्रेस देखने से इसका आउटफिट काफी अच्छा लग रहा है लोगों को, मुझे भी अच्छा लग रहा है और लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है, जैसे कि फीडबैक या कमेंट्स देखने को मिल रहा है ट्विटर पे। और मुझे लगता है पर्सनली ये एसपाइजर की ड्रेस की तरह दिखता है जो पहले का एसपाइजर का ड्रेस हुआ करता था। और दोस्तों आखिरी में मैं आपको एक फुटेज भी दिखाऊंगा जो कि बोइंग ने जो डिलीवरी दिया है, सबसे पहला फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड किया था, जिसको फुटेज को शेयर किया था आकाश सयार ट्विटर हैंडल पे, वो वीडियो भी आपको दिखाने वाला हूं। और साथ में एक भी ये भी जान लीजिए दोस्तों, 23 अगस्त से बेंगलोर से अहमदाबाद फ्लाइट ये लोग लॉन्च करेगा, ये भी जानकारी दिया है। और दोस्तों फाइनली क्या पता, मतलब अगर आप लोग एविएशन में नौकरी ढूंढ रहे हो, ये ब्लॉग देख रहे हो, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए मतलब ये भी जानकारी है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ऑफ नया एयरलाइंस है तो जॉब ओपनिंग्स है, अपॉर्चुनिटीज है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, वो लोग खुद एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप लोग ये देख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। दोस्तों शेयर तो जरूर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हमारा जो एविएशन इंडस्ट्री में है एक और एयरलाइंस जुड़ गया है, फ्लाइट ट्रेवल्स थोड़ा सा आसान हो जाएगा।